वेलकम टू अच्छे दिन। रोहित चतुर्वेदी एक बहुत ही सेलिब्रेट एक्टर्स हैं जिन्हें ऑडियंस ने कई सक्सेसफुल सीरियल में देखा है, जिन्हें पॉपुलरिटी सीरियल कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य से मिली, जहां वो सरलिन के कैरेक्टर में नजर आई। रोहित टेलीविजन इंडस्ट्रीज की मोस्ट इन डिमांड एक्टर्स में से एक है, जहां वो अपने रोल में काफी इंटरेस्टिंग लगती है। इस वीडियो में हम आपको उनके लाइफ और करियर से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। नंबर 1, राजस्थान से बिलोंग करने वाली रूही चतुर्वेदी एक ट्रेंड एक्ट्रेस एवं मॉडल है। बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का ड्रीम रखने वाली डांसिंग व ट्रेवलिंग की शौकीन रूही की फैमिली के फिल्म इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं थे, मगर डांसिंग व एक्टिंग में रुचि होने की वजह से उन्होंने डांसिंग के साथ साथ अपने आप को एक्टिंग में ट्रेंड किया, इसलिए बचपन से ही एक्टिंग रूही का ड्रीम बन गई। नंबर 2, बचपन से ही खूबसूरत 30 वर्षीय रूही का जन्म 29 अप्रैल 1991 को मुंबई महाराष्ट्र के एक हिंदू फैमिली में हुआ, जिनके पेरेंट्स एक बिजनेसमैन व फैमिली में बड़े भाई अतीत की इकलौती सिस्टर। रूही बचपन से ही स्पोर्ट्स, डांस व ड्राइविंग जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती थी। नंबर 3, अपने फैमिली बिजनेस टाउन मुंबई से स्कूलिंग के बाद रूही ने हायर एजुकेशन के दौरान मिस मुंबई ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट कर 2010 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट में जीत दर्ज कर लैक में बैंगलोर व विल्स जैसे फैशन शो में पार्टिसिपेट कर मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया। नंबर 4, 20 वर्ष की उम्र से ही इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ मॉडलिंग स्टार्ट करने वाली रूही ने किटकैट, रिलायंस मोबाइल, ICICI व इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे कई बड़े ब्रांड के साथ काम करने के बाद पॉपुलरिटी गेन कर लाइमलाइट में आई, जो उनकी लाइफ का बिग ब्रेक साबित हुआ। नंबर 5, रूही ने अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म अलाप से किया, जिसके बाद उन्होंने राजस्थानी फिल्म कंगना एंड पगड़ी जैसी फिल्मों में अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर पॉपुलरिटी गेन की, मगर GTV के सीरियल कुमकुम भाग्य में सरली खुराना का रोल करने के बाद से ही रूही की पॉपुलरिटी सभी जानते हैं कहां से कहां पहुंच गई। कुमकुम भाग्य के बाद से ही रूही का करियर राइज पर है। नंबर 6, रूही को सीरियल कुंडली भाग्य से हग पॉपुलरिटी मिली, जहां वह सरलिन खुराना के कैरेक्टर में नजर आई। कुंडली भाग्य एक बहुत ही शानदार सीरियल है और रूही की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। सीरियल में उनकी एक्टिंग को देखने के बाद लगने लगा रूही एक अव्वल दर्जे की एक्ट्रेस है, और बहुत से फैंस आज भी उन्हें सरलिन के कैरेक्टर से जानते हैं। रूही कुंडली भाग्य में सरलिन के कैरेक्टर में कैसी लगी वो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। नंबर 7, रूही ने टीवी एक्टर शिवेंद्र ओम सनियोल को डेट किया और ये रिलेशनशिप रूही और शिवेंद्र ने पब्लिकली डिस्क्लोज भी की। दोनों को टीवी शो और आउटडोर एक्टिविटी में हमेशा साथ साथ देखा जाता था। 13 साल लंबे रिलेशनशिप में दोनों एक साथ बहुत कंफर्टेबल नजर आए और दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी शानदार नजर आई। दोनों की पसंद और नेचर भी सिमिलर नजर आती थी। शिवेंद्र रूही की हमेशा तारीफ करते हुए नजर आते थे और उनका कहना था कि मुझे हमेशा से ही रूही जैसी फ्रेंड की जरूरत थी, इसलिए दोनों ने 2019 में शादी कर ली। हम उनके सुखद जीवन की कामना करते हैं। नंबर 8, GTV की सीरीज कुमकुम भाग्य में रूही को उनकी नेगेटिव आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उन्हें जी रिश्ते अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनकी फैन फॉलोइंग ओवरनाइट मिलियंस में पहुंच गई। क्या आप भी उन्हें फॉलो करते हैं? हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। नंबर 9, स्पोर्ट्स लवर रूही एक कंप्लीट फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस है, जो अपनी बॉडी का विशेष ख्याल रखती है। अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए रूही डेली जिम में पसीना बहाती है, स्विमिंग व रनिंग करती है। होममेड फूड को प्रायोरिटी देने वाली रूही के अनुसार हेल्थी डाइट से एनर्जी लेवल बना रहता है, जो स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। नंबर 10, एनिमल लवर रूही को दूसरी एक्ट्रेस की तरह कुत्ते व बिल्लियां पालना बेहद पसंद है। खाली समय में वह उनके साथ खेलना व टाइम स्पेंड करना पसंद करती है। रियल लाइफ में रूही को जानवरों से प्यार करने वाले व्यक्ति भी बेहद पसंद है। वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि रूही की कौन सी खासियत आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आप हमें न्यू वीडियोस के भी आइडिया दे सकते हैं। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स हमारे लिए एक वैल्यू ऐड करता है। तो फ्रेंड, दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, हर उस एंटरटेनिंग स्टोरी के लिए जो आप जानना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।